कांग्रेस द्वारा देश भर में लगातार महंगाई के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शन एवं नव संकल्प शिविर उदयपुर में तय किए गए महंगाई के विरुद्ध जन जागरण अभियान के दबाव से आज केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला करना पड़ा। हालांकि पिछले दो महीने में ही पेट्रोल एवं डीजल के दाम लगभग 10 रुपए प्रति लीटर बढ़े थे और ऐसे में आज की कटौती महज एक औपचारिकता नजर आती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह ट्वीट किया है। उन्होंने आगे लिखा, यदि केंद्र सरकार सही मायने में आमजन को राहत देना चाहती है तो एक्साइज ड्यूटी को घटाकर यूपीए सरकार के स्तर पर ले जाना चाहिए, जिससे डीजल एवं पेट्रोल की कीमतें करीब 70 रुपए प्रति लीटर से भी कम हो जाएंगी और आमजन को महंगाई से राहत मिल सकेगी। तो पेट्रोल डीजल के दामों में जिस तरह से कटौती यहां केंद्र सरकार ने की, ये बड़ा फैसला लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ट्वीट है। उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस द्वारा देश भर में लगातार महंगाई के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शन एवं नव संकल्प शिविर उदयपुर में तय किए गए महंगाई के विरुद्ध जन जागरण अभियान के दबाव से ही आज केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला करना पड़ा। हालांकि पिछले दो महीने में ही पेट्रोल एवं डीजल के दाम लगभग 10 रुपए प्रति लीटर बढ़े थे और ऐसे में आज की कटौती महज एक औपचारिकता नजर आती है। यदि केंद्र सरकार सही मायने में आम जन को राहत देना चाहती है तो एक्साइज ड्यूटी को घटाकर यूपीए सरकार के स्तर पर ले जाना चाहिए, जिससे डीजल एवं पेट्रोल की कीमतें करीब 70 रुपए प्रति लीटर से भी कम हो जाएंगी और आम जन को महंगाई से राहत मिल सकेगी। तो केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल और एलपीजी में जिस तरह से राहत दी गई है, ये बड़ा फैसला किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये ट्वीट किया जिसमें साफ तौर पर कहना यही कि पहले 10 रुपए तक दाम बढ़ा देना और उसके बाद कम कर देना, इससे राहत आमजन को नहीं मिलेगी, सिर्फ ये औपचारिकता ही नजर आती है। और अगर सही मायने में केंद्र सरकार आमजन को राहत देना चाहती है तो एक्साइज ड्यूटी को घटाकर यूपीए सरकार के स्तर पर ले जाना चाहिए, जिससे डीजल एवं पेट्रोल की कीमतें करीब 70 रुपए प्रति लीटर से भी कम हो जाएंगी और आमजन को महंगाई से राहत मिल सकेगी। तो ये ट्वीट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले के बाद। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि जन जागरण अभियान के दबाव से आज केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला करना पड़ा। हालांकि पिछले दो महीने में ही पेट्रोल एवं डीजल के दाम लगभग 10 रुपए प्रति लीटर बढ़े थे और ऐसे में आज की कटौती महज एक औपचारिकता नजर आती है। ये ट्वीट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया कि पहले दाम बढ़ाना और उसके बाद घटाना ये महज औपचारिकता है। उन्होंने आगे लिखा, यदि केंद्र सरकार सही मायने में आमजन को राहत देना चाहती है तो एक्साइज ड्यूटी को घटाकर यूपीए सरकार के स्तर पर ले जाना चाहिए, जिससे डीजल एवं पेट्रोल की कीमतें करीब 70 रुपए प्रति लीटर से भी कम हो जाएंगी और आमजन को महंगाई से राहत मिल सकेगी।